स्वागत है आप लोगों का एक्सप्लेनर एक्स में। आज हम जेनरेटर एक्स के सीजन 2 एपिसोड 15 को डिस्कस करने वाले हैं, जिस एपिसोड का नाम है ए फैमिली हॉलिडे। इस एपिसोड में हॉलिडे के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। हॉलिडे के सैड और रोमांटिक लाइफ को महसूस करने के लिए वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखना। एपिसोड के स्टार्टिंग में बार्डन मोजेस नाम का एक आदमी कहता है, रिसर्च की रफ्तार बहुत धीमी है और ओरिजिनल इवेंट के बाद से नैनाइट रिसर्च में कोई खास तरह की नजर नहीं आई है। हम कह सकते हैं कि प्रोविडेंस उतनी मेहनत नहीं कर रहा है। प्रॉब्लम से निपटने के लिए मिलिट्री कार्रवाई की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ठोस और समझदारी भरा कदम उठाने की जरूरत है। वो एक इवो को रिप्रेजेंट करके कहता है, अब मैं आपको मिलवाता हूँ डायन से, जो 3 बच्चों की माँ है। डायन की बीमारी को लाइलाज बता दिया गया था, तब से इन्हें अपने परिवार से दूर कैद करवा दिया गया। सारी उम्मीदें टूट चुकी थी, लेकिन अब उम्मीद है। मोजेस लैब पर हम गोला या सीक्रेट हथियार का सहारा नहीं लेते हैं, सिर्फ एक अटूट भरोसा के सहारे काम करते हैं। डायन को उस मशीन में डाला जाने के बाद मोजेस कहता है, जो कुछ भी साइंस छीनती है वो सब साइंस लौटा भी सकती है, और वो रिमोट से उस मशीन को एक्टिवेट कर देता है। उस मशीन से एक औरत बाहर आती है। मोजेस कहता है, अब तुम ठीक हो डायन? ये सब डॉक्टर हॉलिडे भी देख रही थी। हॉलिडे 2 हॉल में जाकर अपने बहन को एक बॉक्स देती है। उस बॉक्स के अंदर एक टेडी बियर था, पर उसकी बहन एक इवो होने की वजह से उस टेडी बियर को फाड़ देती है। हॉलिडे उदास होकर कहती है, हैप्पी बर्थडे मेरी छोटी बहन। दूसरी ओर सीजर रेक्स का इवो के साथ ट्रेनिंग करवा रहा होता है। रेक्स की पैंट बच जाती है, वो उन इवोस को शट डाउन कर देता है, जिसके बाद वो दोनों डॉग्स बनकर रेक्स को चाटने लगते है। सीजर कहता है, चलो किसी बहाने तुम्हारा मुंह तो साफ हो गया। टेस्टिंग के टाइम रेक्स कहता है, बुरा मत मानना, लेकिन बलि का बकरा बनने में तुम्हारे साथ उतना मजा नहीं आता जितना हॉलिडे के साथ आता है। सेजर पूछता है, तुम्हें लगता है कि मैं बायोमेट्रिक्स टेस्ट उसी काबिलियत से नहीं करता? रेक्स कहता है कि ये सच में मेरा भाई है, तुमने हॉलिडे को कभी ध्यान से देखा भी है? वो कहता है, वो मेरी बिरादरी की नहीं है, फिर भी वो बहुत खूबसूरत है। सेजर कहता है, वैसे वो काफी स्मार्ट लगती है। रेक्स पूछता है, वैसे डॉग है कहाँ? अक्सर वो मुझ पर हाथ साफ करने से खुद को रोक नहीं पाती। बोबो कहता है, आज सुबह ही देखा था, उदास लग रही थी। सिक्स कहते हैं, अपने बहन के बर्थडे के वजह से साल के इसी समय हॉलिडे पुराने बातों को याद करने लगती है। सीजर पूछता है, उसकी बहन क्या वो भी काफी स्मार्ट है? तभी हॉलिडे भागते हुए कहती है, हे गाइस जल्दी में हूँ। बोबो कहता है, ये औरतें पता नहीं तुम इन्हें कैसे झेल लेते हो। हॉलिडे डॉक्टर मोजेस का वेलकम करती है। रेक्स कहता है, आखिर ये आदमी है कौन और हॉलिडे उसके आगे पीछे ऐसे लट्टू बन के क्यों घूम रही है? सेजर कहता है, वो डॉक्टर मोजेस है, वो इवोस को इंसान बनाने के तकनीक में सबसे बड़ा रिसर्चर है। इवोस के लिए अगर कोई इलाज ढूंढने वाला है तो वो यही होगा। वो कहता है, अब समझ में आया उसका लट्टू बनना। मोजेस हॉलिडे की बहन को देखता है। हॉलिडे पूछती है, क्या आप इसकी मदद कर सकते हैं? मोजेस कहता है, बेवरली मेरे इलाज के लिए जबरदस्त कैंडिडेट साबित होगी, इसे मेरे लैब में पहुंचाने की तैयारी करो। हॉलिडे राजी हो जाती है। वो व्हाइट नाइट से कहती है, मुझे यहाँ पर काम करते हुए 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। व्हाइट नाइट कहते हैं, मुझे ये पसंद नहीं आया और तुम्हारी बहन भी मुझे पसंद नहीं। जाओ उसका इलाज करो हॉलिडे, और अगर इलाज कारगर ना रहा तो उसे वापस मत लाना। सिक्स आकर कहते हैं, तुम कितना जानते हो मोजेस के बारे में? अपने बहन के चेकअप के लिए तुम उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जाओगी। हॉलिडे कहती है, तुम मुझे ऐसा करने से रुक क्यों रहे हो? रेक्स के यहाँ आने के बाद से मुझे पहली बार उम्मीद की किरण नजर आई है। मुझे ये इलाज चाहिए, अगर तुम मेरी मदद नहीं कर सकते तो हट जाओ मेरे रास्ते से। रेक्स आकर कहता है, आपको लगता है वो सही है? सिक्स कहते हैं, काश वो सही हो। रेक्स कहता है, लेकिन अगर वो गलत निकली तो हम हाथ पर हाथ रख के बैठे तो नहीं रह सकते ना। हॉलिडे के बहन को प्रोविडेंस के शिप में लिया जाता है। रेक्स और सिक्स ये सब देख रहे होते हैं। रेक्स कहता है, अच्छा है, मुझे कुछ भी करना पड़े आप मुझे नहीं रोकोगे, और अगर हॉलिडे के लिए हीरोगिरी दिखाने का कोई भी मौका मिला तो मैं दिखाऊंगा। वो लोग मोजेस के सेमिनार हॉल में पहुंच जाते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड कहता है, डॉक्टर मोजेस के आविष्कार लोगों के देखने के लिए नहीं है, खासकर प्रोविडेंस के लिए तो बिल्कुल नहीं। पर सिक्स उसे धक्का देकर अंदर आ जाते हैं। रेक्स कहता है, अब तो काफी गुस्से में लग रहे है ना? वहाँ कुछ एजेंट्स तो अपने गन्स निकाल लेते हैं। रेक्स कहता है, साइंटिस्ट को गन रखने की जरूरत कब से पड़ने लगी?
सिक्स उनकी धुलाई कर देते हैं। रेक्स मेसन को चेक करके कहता है यह मेसन जलने और बुझने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। जब सिक्स उस मेसन को खोलते हैं, तब उन्हें वही इवो मिलता है। रेक्स कहता है उन्होंने कोई इलाज नहीं किया था। सिक्स हॉलिडे को बता देते हैं कि मोजेस फ्रॉड है। हॉलिडे कहती है मोजेस ये सब क्या है। मोजेस कहता है बिजनेस डॉक्टर हॉलिडे प्रोविडेंस एजेंट्स मोजेस और उसके इवोस के ऊपर फायरिंग करते हैं। रेक्स और सिक्स उस इवो को ठिकाने लगाकर वापस आ जाते हैं। मोजेस हॉलिडे के बहन को अपने शिप में ले आता है। सिक्स और रेक्स आकर मोजेस के इवो से लड़ते हैं। रेक्स उस इवो को ठीक करने का कोशिश करता है पर वो इवो आधा ही ठीक हो पाता है। इस दौरान मोजेस बेवरली को अपने शिप में ले जाता है। कोई भी उसे रोक नहीं पाता है। हॉलिडे उदास हो जाती है। रेक्स सिक्स को उसके साथ बात करने के लिए कहता है। सिक्स कहते हैं मैं अपने प्रोफेशन को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ, इससे लोगों को कम तकलीफ होती है। रेक्स कहता है जनाब अपना चश्मा उतर कर देखिए, वो पहले से ही तकलीफ में है। सिक्स कहते हैं हॉलिडे को ले आओ, हम 3 मिनट में यहाँ से जाएंगे। सिक्स किप में आते टाइम कहते हैं मोजेस भले ही जीनियस हो लेकिन इसलिए नहीं कि वो इवोस को ठीक कर सकता है, वो उन पर हावी हो जाता है, वो नैनाइट्स को एनर्जी चार्ज करता है। हॉलिडे कहती है इसलिए रेक्स उस इवो को आधा ही ठीक करवाया। सिक्स कहते हैं सिर्फ यही नहीं मोजेस लाइलस इवो को हथियार बनाता है और सबसे ऊंची बोली लगाने वाले को बेच देता है। हॉलिडे पूछती है तुम्हें ये कैसे पता चला। सिक्स सिक्स कहते हैं मैंने पुराने साथियों से बात की थी, वो ऐसी बातें जानते हैं जो अच्छे लोगों को पता होनी चाहिए। तभी व्हाइट नाइट कहते हैं मेरा कीव एक नामंजर मिशन पर क्यों है, फॉरेन कीव वापस आना चाहिए। हॉलिडे कहती है अब कुछ नहीं हो सकता। सिक्स कहते हैं कीव वापस बेस पर जा रहा है। व्हाइट नाइट के आउट होने के बाद वो हॉलिडे और एक्स को कहते हैं मैंने कहा कीव वापस जा रहा है, मैंने ये नहीं कहा कि हम कीव पर होंगे। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। जेट से उतरने के बाद रेक्स हॉलिडे से कहता है तुम ठीक हो, असल में तुम्हें उदास देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। अब मेरा मतलब, हॉलिडे उसके हाथ पकड़ कर कहती है मुझे तुम्हारा मतलब पता है, थैंक्स। रेक्स हॉलिडे से कुछ पाने की उम्मीद करता है, हाँ मतलब वही पाने की, पर हॉलिडे वहाँ से चली जाती है। सिक्स कहते हैं अगली बार कोशिश करना। रेक्स कहता है जलन हो रही है मेरे पंटर। वह फाइप आकर उन्हें मोजेस की जानकारी देती है और कहती है जितना सुना था ये उससे कई ज्यादा सुंदर है। सिक्स ये सुनकर हॉलिडे ठहर जाती है। मोजेस कुछ बिजनेसमैन के साथ ऑक्शन स्टार्ट कर देता है। तभी रेक्स सिक्स और हॉलिडे हमला कर देते हैं। मोजेस के क्लाइंट्स आउट हो जाते हैं। मोजेस गुस्से में बेवरली को और भी ज्यादा म्यूटेंट कर देता है। हॉलिडे कहती है उसे मारो मत रेक्स। सिक्स और हॉलिडे भागते हुए मोजेस को पकड़ लेते हैं। हॉलिडे मोजेस को एक चाटा मारती है। डर के मारे मोजेस कहता है बेवरली अभी भी ठीक हो सकती है। ये सुनकर हॉलिडे सरप्राइज्ड हो जाती है। मोजेस कहता है मैंने एक मशीन का आविष्कार किया था जिसने नैनाइट्स की पावर को कम कर दी थी, लेकिन नैनाइट पार्टिकल्स के बॉन्ड बहुत मजबूत थे, उसकी वजह मुझे पता चला मैं उनके ताकत को बेहिसाब बढ़ा सकता हूँ। हॉलिडे उसकी बातों को सुनकर कुछ समझ जाती है। रेक्स कहता है मुझे मदद की जरूरत है। मोजेस उस जगह मौजूद सारे के सारे इवोस को आजाद कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। सिक्स और रेक्स बेवरली से लड़ रहे होते हैं, तभी प्रोविडेंस का एक कीप वहाँ पहुँच जाती है जिसमें से व्हाइट नाइट कहते हैं मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि तुम किस मुसीबत में फंस गए हो, उन दूसरे इवोस को पकड़ो और फॉरन मेरे ऑफिस में इन्फॉर्म करो। रेक्स कहता है क्या मतलब है दूसरे इवोस, वो अपने पीछे उन दूसरे इवोस को देखता है। प्रोविडेंस के एजेंट्स आकर उन्हें संभाल लेते हैं। हॉलिडे मशीन में कुछ सेटिंग कर रही होती है पर बेवरली उसके ऊपर हमला कर देती है। रेक्स सिक्स से कहता है मैं एक पागल बहन को संभालता हूँ, अब दूसरी को देख लेना, दोनों का काम आसान हो जाएगा। रेक्स बेवरली को संभाल लेता है। हॉलिडे सिक्स से कहती है मैं देख रही हूँ उसने क्या किया है, पर अब वक्त नहीं बचा, मैं अपनी बहन की मदद नहीं कर सकती। सिक्स उसे हौसला देते हुए कहते हैं हॉलिडे रेबेका मैंने आज तक तुम जैसी स्मार्ट और मजबूत लड़की नहीं देखी और सबसे जिद्दी भी, तुम कभी हार नहीं मानती, अगर तुम्हारी बहन की मदद का कोई तरीका है तो ढूंढो उसे। हॉलिडे सिक्स के लंबा चौड़ा भाषण सुनकर पूरी तरह मोटिवेट हो जाती है। सिक्स रेक्स को कहते हैं उसे मशीन के पास ले चलो। हॉलिडे मशीन को सेट करके कहती है मुझे उसे एम्पलीफाई करके रिवर्स करना होगा। सिक्स तुम्हारे मैग्नम ब्लेड्स की जरूरत पड़ेगी लेकिन उसमें बहुत ज्यादा खतरा है। रेक्स बेवरली को उस मशीन में डाल देता है। सिक्स अपने मैग्मा ब्लेड से मशीन को चालू रखते हैं पर वो इसकी वजह से बेहोश हो जाते हैं। हॉलिडे दुख से रोने लगती है क्योंकि सिक्स होश में नहीं आ रहे थे। जब सिक्स होश में आ जाते हैं
हॉलिडे बहुत खुश हो जाती है। ये सब रेक्स देख रहा होता है। बेवरली की आवाज सुनकर हॉलिडे उसे हक कर लेती है। रेक्स सिक्स से कहता है, मैं ये दोबारा कभी नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं आपका पार्टनर हूँ। बोबो ये देखकर कहता है, इमोशनल बातें यू, अच्छा हुआ मैं यहाँ पे नहीं था। प्रोविडेंस में वापस लौटने के बाद नाइट कहते हैं, हम यहाँ कोई बोर्डिंग नहीं चला रहे हैं, कोई रिश्तेदार नहीं रहेगा। हॉलिडे कहती है, मुझे टेस्ट के लिए उसकी जरूरत है सर, अब उसकी हालत बहुत कमजोर है। बेवरली को हंसते खेलते देख नाइट कहते हैं, कमजोर अच्छा है। रिक्स कहता है, हम मॉल में घूमने जा रहे हैं, कुछ पैसे मिलेंगे? प्रोविडेंस मुझे एक रुपया भी नहीं देता। हॉलिडे बेवरली से कुछ बात करती है। सिक्स रिक्स से कहते हैं, क्या ये करना ठीक है? हॉलिडे के साथ तुम्हारी हीरोगिरी का स्टेटस बर्बाद हो जाएगा। रिक्स कहता है, बेवरली से मिलने के बाद मुझे लगा कि हॉलिडे मेरे लिए थोड़ी बड़ी है, अब क्योंकि मैं रास्ते से हट गया हूँ तो आपका रास्ता साफ हो गया है। रिक्स बेवरली के साथ चला जाता है। हॉलिडे के हाथ को पकड़कर सिक्स कहते हैं, हमें कहीं डिनर के लिए चलना चाहिए। हॉलिडे पूछती है, मतलब बाहर असली दुनिया में असली लोगों की तरह? सिक्स कहते हैं, हाँ एक डेट की तरह। हॉलिडे खुशी से कहती है, पहले क्यों नहीं कहा। हॉलिडे और सिक्स डिनर के लिए चले जाते हैं और ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। देखा जाए तो रिक्स को पता चल गया था कि हॉलिडे सिक्स को पसंद करती है, इसलिए उसने अपने फीलिंग्स को सैक्रिफाइस किया उन दोनों के लिए। इस बारे में आप लोगों को क्या लगता है नीचे कमेंट पे जरूर बताना। और अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड को मिस कर लिया है तो इस एंड स्क्रीन के लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करके देख लेना।